बीते बुधवार को गौतम अडानी समूह के लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स बुरी तरह धराशाही हो गए। इस वजह से निवेशकों को तगड़ा नुकसान भी हुआ। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में ये तूफान हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद आया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि बाद में समूह की ओर से इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, इसके पीछे कौन है? हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। साल 2017 में नाथन एडर्सर ने हिंडनबर्ग रिसर्च की स्थापना की। ये फर्म इक्विटी क्रेडिट डेरिवेटिव का विश्लेषण करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये मानव निर्मित आपदाओं की तलाश करता है। मतलब ये है कि ये फर्म अनियमितताएं, कुप्रबंधन और अन्य गड़बड़ियों को ढूंढता है। कंपनी अपनी खुद की पूंजी का निवेश करती है। कैसे पड़ा नाम? इसका नाम 1937 में हिंडनबर्ग एयरशिप की त्रास्ते के नाम पर रखा गया। बता दें कि 1937 में लगभग 100 लोगों को लेकर जा रहा हिंडनबर्ग एयरलाइंस का एक विमान अमेरिका के न्यू जर्सी में मैनचेस्टर कस्बे में हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एडर्सन हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डिग्री के साथ कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। एडर्सन ने डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसोर्स सिस्टम्स इंक से करियर की शुरुआत की। यहाँ वो निवेशक प्रबंधन कंपनियों के साथ काम कर रहे थे। नाथन एडर्सन ने इसराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर भी काम किया। आपको बता दें कि रिसर्च रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में गड़बड़ी और धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि उसके शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के गलत इरादे से किया गया। ये रिपोर्ट अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के FPO के आवेदन के लिए खुलने से ठीक पहले आई। कंपनी का FPO 27 जनवरी को खुलकर 31 जनवरी को बंद होगा।